मैडम मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन अक्सर तुम्हें जरूर कुछ हो गया। मुझसे सीधा मुंह बात नहीं करती हो तुम आजकल। जब देखो किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तुम्हें मुझसे। आजकल हमारे बीच बस एक ही चीज को लेकर प्रॉब्लम होती है आदि। और तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं मैडम, मैं नहीं जानता तुम किस चीज की बात कर रही हो। ज्यादा भोले मत बनो। ये जो दिन रात तुम हवाओं से बातें करते हो ना, सब समझ में आता है मुझे। समायरा की देखभाल का कुछ ज्यादा ही असर हो गया तुम्हारे दिमाग पर। प्लीज मैडी, समायरा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। What? I don't believe this. तुम मेरे सामने उसकी वकालत कर रहे हो? मैडी डोंट। Disgusting आदि। देख रही हो अपनी होने वाली बहू को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मुझसे क्या छुपाना, आर्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या? वैसे आपका क्या ख्याल है? मुझे तुम्हारी पसंद पर बिल्कुल डाउट नहीं है सुनैना। मेरे हिसाब से जय के लिए समायरा इज बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ऐसे मामलों में बच्चों से राय ले लेना बेहतर होगा। सही कह रहे हैं आप, मैं उनसे भी बात कर लूंगी। बस आर्या जाके जैसे ना कह दे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, जैसे मैं खुद बात करूंगी समायरा के बारे में, बस सही वक्त आने पर। ठीक है, लेकिन तो फिर आर्या को जाकर रोको। तुम तो जानती हो ना जय और आर्या कितने क्लोज है, कहीं अभी तक आर्या ने जय को बता ही ना दिया। अरे नहीं नहीं, मैं अभी जाके रोकती हूँ आर्या को। तुम जय को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, ठीक है? ओके मामा, जैसा आपको ठीक लगे। गुड। जब पता है कि जय समायरा के लिए कभी हाँ नहीं करेगा, तो ये सब बातें करके क्यों अपना और उसका टाइम वेस्ट करना? समायरा? मामा, मैं सर आती हूँ। जी। जी, कहिए। समायरा, मैं तुमसे कुछ देर बात करना चाहती थी। मिसेस जगन्नाथ, मैं आपको मना नहीं करती, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रही हूँ। सो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी तुम्हारा। मिसेस जगन्नाथ, आई एम रियली रियली सॉरी, बट मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। सो कैन वी टॉक लेटर प्लीज? तो एक काम करते हैं, मेरी गाड़ी में चलते हैं, रास्ते में बातचीत भी हो जाएगी और मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगी। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, इट्स ओके। अब आप क्यों तकलीफ लेती हैं, मैं ही रुक जाती हूँ। ऑलराइट, आओ बैठो। मुझे अभी आदित्य के साथ होना चाहिए। देखिए सर, आप बुक पढ़ के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, लेकिन बगैर पढ़े से कैसे प्रिंट में भेज दें? लेकिन मिस्टर आदित्य ने बोला है कि इसे सीधा प्रिंट के लिए भेज दीजिए। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। वैसे समायरा, हमने आपस में तो बहुत सारी बातचीत की है, पर तुमने कभी ये नहीं बताया कि तुम लाइफ के बारे में क्या सोचती हो। प्रोफेशनली तो तुम सक्सेसफुल हो, पर मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? शादी? हाँ शादी। अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है और आई एम श्योर तुम्हारे घर वालों ने तुमसे इसके बारे में बातचीत की होगी। नहीं, कोई बात नहीं। आई मीन मैंने उन्हें ऑलरेडी बोल दिया है कि मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, और वैसे भी मैं अभी अपने करियर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ। पर
बट यू ऑलरेडी सक्सेसफुल, तुम एक सेलिब्रिटी हो, और क्या चाहिए तुम्हें? अभी तो बहुत कुछ बाकी है मिसेस जगन्नाथ। मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी वो अभी पूरा कहाँ हुआ है? और मुझे उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता। समायरा, वैसे हर इंसान की जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आता कि उसे लगे कि मैंने सब कुछ पा लिया है। आई नो ये जनरेशन बहुत ही एम्बिशियस है, वो अपनी करियर को शादी से इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन एक बात है, वो लोग ये भूल जाते हैं कि करियर आज है कल नहीं। बट शादी, आई मीन लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर हमेशा के लिए रहता है। आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। जगन्नाथ, हर एक का जीने का नजरिया अलग होता है। हाँ, कहने को शादी जीवन भर का साथ है, लेकिन मेरे लिए वो एक बंधन है। हाँ, फीलिंग जी तक नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, और ये सब करने के बाद भी दिल में एक डर सा बना रहता है कि कहीं इस सब के बदले में आपको धोखा ना मिल जाए। क्या हुआ समायरा? मिसेस जगन्नाथ, मैं काफी लेट हो रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। या ओके फाइन, हाँ ठीक है ठीक है, ऑलराइट बाय बाय। मैं मधुरिमा जगन्नाथ हूं, वही मधुरिमा जिसने ये मुकाम हासिल करने के लिए तुम्हारे ही हाथों शिखा गुप्ता को ठिकाने लगाया था। अगर तुम्हारी मर्जी चलती होती तो मुझसे डेफिनेटली मिलने आती, लेकिन तुम पे तो मधुरिमा की मर्जी चलती। या प्लीज कम, थैंक यू। मधु मैम किधर है और उनका आगे का शेड्यूल क्या है इसका? मैम 2-3 घंटे के लिए बिजी है, उसके बाद फ्री होंगे। अगर कुछ अर्जेंट है तो मैं जाके बोल देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं बाद में मिल लूंगा। थैंक यू। सर मैं एडिटर बोल रहा हूँ जी, मुझे उस बुक के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अब क्या बात करनी है? मैंने कहा तो तुम्हें कि उस बुक को प्रिंट कर दो। मैं एडिटर बोल रहा हूं, आदित्य सर से जरा बात करेंगे। ऑफिस में नहीं? कोई बात नहीं, मैं उनके मोबाइल पे बात कर लेता हूं।
मिस्टर आदित्य ने आपको परमिशन दे दी ऐसे प्रिंट करने के लिए, तो कुछ सोच समझ के दी होगी। आप उन्हें फोन करके परेशान क्यों करना चाहते हैं? लेकिन बात करना बहुत जरूरी है, कुछ तो वजह है। How you doing? Good. कहिए, क्या जरूरी बात करनी थी आपको? जरूरी बात? हाँ, तुमने यही तो कहा था कि कुछ जरूरी बात है इसलिए मिलना। क्या हुआ, खुद ही भूल गई? सच कहूं, कोई जरूरी बात नहीं थी, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी। Really? Really? तो इसके लिए तो बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? तुम अगर सच कह देती तो मैं मना थोड़ी करता। और यहाँ यहाँ पर क्यों बुलाया? तो बोलती तो मैं घर पर मिलने आ जाता। Come on, आदित्य, घर पे नहीं, मैं तुमसे बाहर मिलना चाहती थी, जहाँ हम दोनों साथ बैठ सके, जहाँ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, बिना इस डर के कि तुम्हारी बीवी ना देख ले। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे? तुम्हारा मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ तो मुझे यहाँ पर घर से बाहर अकेले मिलने के लिए बुलाती हो, और दूसरी तरफ मुझे कहती हो कि हमें लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मैं जब तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मुझे अपने से दूर जाने के लिए कहती, और जब दूर चला जाता हूँ तो तुम खुद ही मुझे अपने पास खींच लेती हो। आज मेरे हाथ पर अपना हाथ रख कर बैठी हो, कल मुझे मेरी बीवी के बारे में याद दिलाकर सब कुछ भूलने के लिए कह रही थी। क्या चाहती हो तुम समारा? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ आदित्य, समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक तरफ तुम्हारी शादीशुदा असलियत दिखती है और दूसरी तरफ तुम। मैं जो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना, तो और कुछ नहीं दिखाई देता, ना तुम्हारी बीवी, ना तुम्हारा परिवार, कुछ नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, तुम फोन ऑफ कर दो ना आदित्य, प्लीज। मैं बात कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ जरूरी काम हो, तभी तो शायद बार बार फोन कर रहे। हेलो सर, मैं एडिटर बोल रहा हूँ जी। मुझे उस बुक के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अब क्या बात करनी है, मैंने कहा तो तुम्हें कि उस बुक को प्रिंट कर दो। आदित्य, किसी ने भी इस दुनिया में हमारा दर्द नहीं समझा सिवाय आपके। आपने जो एहसान हम पर किया उसे तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन अपनी बेटी की किताब आपके हाथों लॉन्च करके आपको थोड़ा सम्मान दे सकते हैं। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हें जो कहा है वो करो। सर आई होप आपको पता है उस बुक में क्या लिखा है। ऐसा क्या लिखा है इसमें, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सर वो बुक कुछ कंट्रोवर्शियल है। पर कंट्रोवर्शियल इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उस बुक को पढ़ लें। तुम फोन पे बात करो, मैं जा रही हूँ। जस्ट वन मिनट प्लीज। मिस्टर आकाश, अगर कॉन्ट्रोवर्शियल है तुम्हारी बुक की प्रमोशन के लिए अच्छा है ना, आप प्लीज इसे जल्दी से प्रिंट कर दीजिए और प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी ऑन दिस अगेन। ओके सर। ओके क्या कहा मिस्टर आदित्य? सर ने कहा बुक प्रिंट कर दीजिए। सो वही तो मैं आपको कब से कह रहा हूँ, आपने मेरी बात सुनी नहीं। तो कब तक प्रिंट हो जाएगी? As soon as possible. और बुक का लॉन्च? आदित्य सर से बात हो गई है, उन्होंने कहा प्रिंटिंग जैसे ही खत्म हो जाए
बुक लॉन्च कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू सो मच। नीरज, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ अंकल, बहुत जल्दी इस बुक का लॉन्च होने वाला है। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। अंकल थैंक्स मुझे मत कहिए, कोई और है जो इस थैंक्स का हकदार, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। बेटा किसकी बात कर रहे हो? समायरा। समायरा? जी अंकल, अगर समायरा हमारी मदद नहीं करती तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। अंकल मैं तो कहूंगा कि आप समायरा को शिखा की बुक के लॉन्च पर एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करें, उसे बहुत अच्छा लगेगा और थैंक्स कहने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नीरज, समायरा इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, वो क्यों मेरे कहने के ऊपर? अंकल अगर वो दिल की अच्छी नहीं होती तो हमारी मदद नहीं करती। आप उसे बोलकर तो देखिए, वो मना नहीं करेगी। अंकल मैं अभी उसका नंबर आपको भेजता हूँ, आप प्लीज उसे कॉल करके इन्वाइट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बाय। नीरज सब ठीक है ना? फोन आने के बाद एडिटर ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, वो मुझसे क्या कहेगा, बल्कि मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। बुक छपने के बाद आदित्य जगन्नाथ सबसे पहले उसे नौकरी से निकालेगा। वो क्या किसी और को नौकरी से बाहर निकालेगा, खुद अपनी कुर्सी संभाल ले वही बड़ी बात होगी। आदित्य की सोसाइटी में चारों तरफ बदनामी होगी। जो लोग आज उसे रिस्पेक्ट करते हैं कल उससे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। आदित्य जगन्नाथ का आने वाला कल बहुत बुरा होने वाला है, और उस बुरे वक्त में जब कोई उसका साथ नहीं देगा तब मैं उसका हाथ थामूंगी, सहारा दूंगी। मेरे हाथ थामे बिना वो दो कदम भी नहीं चल पाएगा, और ऐसे वक्त में मैं उसका हाथ छोड़ दूंगी कि वो चलना तो दूर खुद अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाएगा। पापा, हेलो हेलो सर, समायरा जी? जी समायरा जी, मैं अविनाश गुप्ता बोल रहा हूँ, शिखा का फादर। आपको आपको थैंक्स करना था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कितना बड़ा एहसान किया हम पर, मैं आपको बता नहीं सकता। जी मैंने क्या किया? समायरा जी ये तो आपका बड़प्पन है, कितना कुछ करने के बाद भी आप ये पूछ रही हैं कि मैंने क्या किया। इस किताब को छपवाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, किस किस के पास नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सबने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया, किसी ने हमारी परेशानी के बारे में नहीं सोचा सिवाय आपके। तुम्हारा जी अब आपकी वजह से मेरी बेटी शिखा का सच अब दुनिया के सामने आ पाएगा। अरसे के बाद उसका ये बाप शायद अब चैन की सांस ले पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं। शुक्रिया कह के शर्मिंदा मत कीजिए, बस यही समझ लीजिए कि आपकी बेटी ही आपकी मदद कर रही है। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपके माता पिता ने आपको, वरना आजकल कहां कोई इतने अच्छे दिल का होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप एक सेलिब्रिटी हैं, बहुत बिजी रहती होंगे, लेकिन क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी कहिए ना। देखिए अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप शिखा की किताब के लॉन्च पर चीफ गेस्ट बनकर आ सकती हैं? किसी ने भी इस दुनिया में हमारा दर्द नहीं समझा सिवाय आपके। आपने
जो एहसान हम पर किया उसे तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन अपनी बेटी की किताब आपके हाथों लॉन्च करके आपको थोड़ा सम्मान दे सकते हैं। हेलो हेलो समारा जी, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, मैं कुछ जरूरत से ज्यादा बोल गया, आई एम रियली सॉरी। आप मेरे पिता जैसे, क्या आप अपने इस पिता समान आदमी की बात नहीं मानेंगे? मैं सच में कह रहा हूँ, मैं आपको दिल से बुलाना चाहता हूँ। आप आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारी अपनी शिका आई है। हेलो समायरा बेटा, तुम आओगे ना? जी मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मैडम मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन अक्सर तुम्हें जरूर कुछ हो गया। मुझे सीधा मुंह बात नहीं करती हूँ तुम आजकल, जब देखो किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तुम्हें मुझे। आजकल हमारे बीच बस एक ही चीज को लेकर प्रॉब्लम होती है आदि, और तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं मैडम, मैं नहीं जानता तुम किस चीज की बात कर रही हो। ज्यादा भोले मत बनो, जो दिन रात तुम हवाओं से बातें करते हो ना, सब समझ में आता है मुझे। समायरा की देखभाल का कुछ ज्यादा ही असर हो गया तुम्हारे दिमाग पर। प्लीज मैडी, समायरा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। What? I don't believe this. तुम मेरे सामने उसकी वकालत कर रहे हो? मैडी डोंट। Disgusting आदि।